हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरूक टीवी और मेरा नाम है मीनल जाडेजा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि आ रही है, 9 दिन का त्यौहार जिसमें हम सब गरबा खेलते हैं, माँ अम्बे की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। और जो माँ अम्बे हमारे लिए इतने महत्व है, उन माँ अम्बे की मूर्तियाँ कैसे बनती है, आज हम वही जानने के लिए आए हैं। उन मूर्तियों को आकार कैसे मिलता है, मूर्तियों को सजाया कैसे जाता है, तो चलिए जानते हैं कि यहाँ के मूर्तिकार आखिर मूर्तियाँ बनाते कैसे हैं। पोटेकला केंद्र के मैनेजर से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अविनाश पोटे। अविनाश जी, इस काम की शुरुआत किसने की आखिर? ये काम की शुरुआत मेरे दादाजी ने की थी, आज से 30-35 साल पहले मेरे दादाजी ने शुरुआत की थी। आखिर ये मूर्तियाँ कहाँ से आती है और कैसे बनती है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ये मूर्तियाँ अलग अलग जगह से आती है, लाइक अभी तो पेन से, मोस्टली तो देवी के जो मेन मूर्तियाँ रहते हैं वो पेन से आते हैं। वहाँ पर लोगों का साल भर यही काम रहता है कि मूर्तियाँ बनाना। लोग वहाँ पर साल भर, उनका कुछ ऐसा अलग ऑक्यूपेशन नहीं है, कुछ ऐसा जॉब नहीं है, वो साल भर यही काम करते हैं। तो हमारा सारा मूर्ति देवी का फिलहाल तो पेन से आता है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर आती है, यहाँ पर जो मूर्ति को आकार, आकार से लेकर उसकी फिनिशिंग, उसकी मतलब पेंटिंग, उसका जो कुछ है ना, ए टू जेड, लाइक स्टार्टिंग तो वहाँ हो जाता है, निकल तो जाता है, लेकिन जो बाकी का ए से जेड तक पहुँचाने का काम वो हमारा रहता है। चलिए अब हम इनसे बात करते हैं जो ये मूर्ति को सजाने का, साड़ी पहनाने का, गहने पहनाने का काम करता है। तो सर, आपका नाम? विशाल। विशाल जी, आपने ये काम कब से शुरू किया? ये मुझे 6-7 साल हो गए ये सब काम करते हुए। मयूर कला केंद्र की तरफ मैंने काम सीखा था ये, फिर स्पेशल ओनर मुझे सिखाया अपने कारखाने पे। ये सब बनाने से तो मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, बहुत अच्छा अच्छा काम सीख रहा हूँ। अलग अलग पैटर्न है, धोती फेटा, माता रानी की ज्वेलरी, मेकअप, हेयर स्टाइल, मेकअप, ब्राइडल, सब करता हूँ। ये काम सीखने में आपको कितना समय लगा? ज़्यादा नहीं, जब मैं 18 साल का था, 18 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत जल्दी आगे बहुत पहुँच गया हूँ। आपको एक मूर्ति बनाने में, एक मूर्ति को सजाने में कितना समय लगता है? 10 मिनट। 10 मिनट? अच्छी से अच्छी मूर्ति आधे घंटे में, और नॉर्मल मूर्ति बनाऊंगा तो 10 मिनट हो जाता है। अच्छा, शुरू में जब आपने काम स्टार्ट किया था तभी आपको कितना टाइम लगता था? बहुत टाइम लगता, आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा लगता था। देखा आपने इस मूर्ति को बनाने में कितने लोगों की मेहनत रहती है, कितनी बारीकी से इस पे काम किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि हम आप तक पूरी जानकारी पहुँचा पाए हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऊपर वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द देख सके। थैंक यू सो मच।